रुको, सबर करो जरा, डबल टैप करके वीडियो आगे मत भगाओ। ध्यान रहे, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाए। धन्यवाद। एक्सरसाइज तो हम लोग रोज ही कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको सही से कर रहे हैं? ध्यान से सुनना और देखना भी, ठीक है? Welcome back to my channel, people. I hope you all are doing good and I am doing absolutely fine. And do not worry, आज का वीडियो कोई टाइमर पर सेट नहीं है, आज हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज हम वर्कआउट करते वक्त सही से वर्कआउट कर रहे हैं, यानी इस पर ध्यान देने वाले, ठीक है? जैसे आप लोग को पता है कि लास्ट टू वीक्स से हम लोग सिर्फ चेस्ट के पुशअप्स पर हम उसके वेरिएशंस पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन क्या हम सही से पुशअप्स मार रहे हैं या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेस्ट के पुशअप्स करते वक्त जो तीन कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है? ये मिस्टेक्स ऐसी है कि हमको ये रियलाइज भी नहीं होता है काफी लंबे समय तक, जब तक कि हमें कोई टोकता नहीं और बताता नहीं है। ऑफकोर्स मैं भी कोई बहुत बड़ा शाना नहीं हूं, मुझे भी मेरे ट्रेनर ने ही समझाया था और बताया था कि ये कुछ मिस्टेक है पुशअप्स करते वक्त जो लॉन्ग रन में तकलीफ दे सकता है। तो थैंक्स टू मी कि मैं आप लोग को आज ये बताने वाला हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये तीन कॉमन मिस्टेक है जो नहीं ध्यान जाता है, तो आज हम ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, शाना बन के ऐसे स्मार्ट होके डबल टैप दबा के आगे नहीं भगाना है वीडियो को, ठीक है? ध्यान देना। मिस्टेक नंबर वन, अवॉइड सैगिंग योर बैक। सो पुशअप्स मारते वक्त ध्यान रहे कि हम हमारे बैक को स्ट्रेट रखेंगे, लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे, हम हमारे बैक को इतना नहीं डिप करेंगे कि जहां पर हमारा पेट जो है फ्लोर पे टच होना चालू हो जाए, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोगों के ध्यान में नहीं जाता है। एंड आप लोग नोटिस करोगे कि लोग इस तरह से पुशअप्स करते हैं, तो हमें ये अवॉइड करना है पूरी तरह से। मिस्टेक नंबर टू, अवॉइड फ्लेयरिंग अप और ओपनिंग अप योर एल्बोज आउट टू द साइड्स। मतलब कि ज्यादा अपने एल्बोज को खोलने की जरूरत नहीं है पुशअप्स मारते वक्त। ओके, तो ये एक दूसरा कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग जिम में काफी लोगों को करते हैं नोटिस करोगे, वो है दे ओपन देयर एल्बोज। उन लोग काफी अपने एल्बोज को ओपन कर देते हैं ये सोचते हुए कि बहुत अच्छे से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि इसमें बॉडी को ऊपर उठाने में काफी तकलीफ होती है। एंड ये जब होता है तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा प्रेशर आया चेस्ट में, बट इट इज रॉन्ग। इन द लॉन्ग रन यू विल सफर फ्रॉम एल्बो पेन, शोल्डर पेन और जाने क्या क्या, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन तभी नहीं पता चलता प्रेजेंट टाइम में। मिस्टेक नंबर थ्री, अवॉइड टचिंग योर चेस्ट ऑन द फ्लोर। ये एक और एक कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग बहुत देखोगे जिम में, वो है कि हम पुशअप्स करते वक्त अपने चेस्ट को पूरी तरह से फ्लोर पे टच कर देते हैं, तो इसे भी हमें अवॉइड करना है। और इसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि हम कोशिश करेंगे हम हमारे एल्बो को 90 डिग्री पे रखें, एंड जब हम ऊपर आएंगे तो एल्बोस को लॉक भी नहीं करना है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि एल्बोस को लॉक ना करें, बस उस लेवल तक आए जहां पर आपको फील हो कि अब एल्बो लॉक होगा, तो बस उस पॉइंट पे आके आपको रुक जाना है, एंड अगेन आपको नीचे जाना है, एंड अवॉइड करें कि अपने चेस्ट को फ्लोर पे टच करें, एंड एल्बोस को हमेशा अपने बॉडी से नजदीक रखना आप लोगों को। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई और कॉमन या जनरल मिस्टेक्स है पुशअप्स करते वक्त, तो प्लीज डू लेट मी नो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, एंड ये आइकन दबाने से पहले अपने ये वीडियो जाके अपने दोस्तों को दिखाओ, और उनके फोन को लेना, उनके फोन में जाकर ये वीडियो ओपन करना और चुप्पे से सब्सक्राइब बटन दबा देना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, एंड अब ये गोले को प्लीज प्रेस करो और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू ऑल ऑन सैटरडे 5 PM, बाय बाय।